सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। रोमिल चौधरी फिलहाल बिग बॉस हाउस के कप्तान हैं, लेकिन रोमिल की कप्तानी से मेघा धाड़े बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसी वजह से वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी रोमिल से झगड़ा करने का। रोमिल की कप्तानी में नुक्स निकालने का ट्राई करती ही रहती हैं और अब उन्हें एक मौका मिल गया है और उन्होंने इसे लेकर रोमिल चौधरी के साथ फाइट शुरू कर दी है। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि रात को सृष्टि, रोहित और सोमी ये तीनों मिलकर हलवा बनाते हैं और वो फिर किचन साफ करना भूल जाते हैं। सुबह उठकर सारे घर वाले देखते हैं कि किचन एरिया बहुत ज्यादा गंदा हो रखा होता है और इस बात को लेकर मेघा काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और रोमिल से कहती हैं कि रोमिल आपने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, क्योंकि आप कप्तान हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे घर वालों ने अपना काम किया है या नहीं और ये चेक करना कि कोई काम पेंडिंग तो नहीं बचा है। लेकिन अब आप ये देखो पूरा किचन एरिया कितना गंदा हो रहा है, सिंक में पूरे में गंद मचा हुआ है, सब कुछ यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है, ये गलत है, आपको देखना चाहिए था। तो रोमिल कहते हैं, देखो मैडम मैं मेरा काम देखकर सोया था, मैंने सब देखा था और सब चेक किया था, आप भी तो इस घर की सदस्य हैं, आप भी तो देख सकती हैं ना कि काम हुआ है नहीं हुआ है, अगर उसका काम बचा था तो अब आप देखो वो काम कर रहा है अब अपना। तो मेघा रोमिल से कहती हैं कि आप लेट नाइट तक तो जाग सकते हो लेकिन ये देख नहीं सकते कि काम हुआ है नहीं हुआ है। तो रोमिल इस बात से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो कहते हैं जो करना है कर लो मैडम जी, नहीं दिखूंगा, जाओ आप। और इस तरह से इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।